यहाँ मैंने राखी के लिए विनलो का रेडी कर लिया है सारा कुछ। वैसा भी चल रही है मेरी कुकिंग हो गई ना। सो वैसा भी अभी हम लोग घर पहुँचे हैं और घर पहुँचते सबसे पहले मैंने ब्रूनो को खाना दिया। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूनम सिंह स्टूडियो। अभी हुए हैं 2:30 होने वाला है और आज हो गया है कॉलेज ओपन, तो अभी हम लोग सूरज को लेकर जा रहे हैं उनके अपार्टमेंट में सेट करने के लिए, मतलब उनका लगेज वगैरह सेट वेट करा दें। ये छुट्टियाँ अब हो गई ख़त्म, अब कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, तो आज उनको टाइम मिला हुआ है, तो उस टाइम विंडो में उनको एंटर करा देना है उनके अपार्टमेंट में और सारा कुछ सेटअप कर देना है, कीज वगैरह लेना है। और आपको दिखा दूं, मेरे पीछे लगेज दिख रहा होगा, लगेज नहीं है तो डब्बा डुब्बी इनका नजर आ रहा है। अपार्टमेंट के लिए तैयारी हो गई है, बॉक्सेस रेडी हैं, थोड़ा बहुत खाने पीने का है, लॉन्ड्री के लिए। सूरज का लगेज अभी ऊपर है, सूरज शावर ले रहे हैं और मैं कुकिंग कर रही हूँ, अभी आप लोग को दिखा देती हूँ। और लकली श्रेया भी आ गई है, आज रक्षाबंधन भी हो जाएगा हमारा। चलिए अभी थोड़ी देर में आप लोग को ज्वाइन करती हूँ। मिस्टर सिंह तफरी मार रहे हैं, मिस्टर सिंह खा रहे हैं। यस, मिस्टर सिंह चेरीज खा रहे हैं। हेलो तो बोल दीजिए, हेलो एवरीवन, हाय हाय। चलिए तो मैं भी आप लोग को थोड़ी देर में ज्वाइन करती हूँ, थोड़ा सारा सेटअप वगैरह कर लूँ। ब्रूनो भी आ गया। यहाँ मैंने राखी के लिए विनलो का रेडी कर लिया है सारा कुछ, स्वीट्स और राखी, और दोनों भाई बहन अभी शावर लेने में लगे हुए हैं। आ जाते हैं तो राखी भी हो जाएगी। चल रही है मेरी कुकिंग। ब्रूनो ना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। भटूरे रेडी कर रहे हैं, छोले भी मेरे रेडी हो चुके हैं, आज का स्पेशल लंच। सो गाइस, हमारा लंच वगैरह डन हो गया है और अभी हम सारे निकल ही रहे थे। हमारे निकलने के पहले श्रेया को जाना था, श्रेया निकल रही थी तो पता चला उनकी गाड़ी की बैटरी ही बैठ गई है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। फिर श्रेया और श्रेया दोनों मिलकर गए, बैटरी लेकर आए, क्योंकि कोई भी शॉप ओपन नहीं थी आज कि जहाँ जाकर बैटरी लगवा सके, तो कार की बैटरी लेकर आए। और अब जब सारा सामान लोड हो गया, श्रेया रेडी हो गई कि हम निकलेंगे, जंप स्टार्ट देने जा रहे थे जंप स्टार्ट भी, वो भी, उसकी भी बैटरी लो हो गई है, तो अभी वो लोग चार्जिंग पर लगाए हैं। कहने का मतलब ये है कि जब किसी चीज की जल्दी होती है ना, तो उस जल्दी में कुछ ना कुछ हड़ंगा जरूर लग जाता है और वो देर होने ही लगती है। तो अब बैटरी भी लेकर आ गए हैं, उसे ले जाकर लगवाएंगे कहीं, बट उसके पहले जंप स्टार्ट देना है कार में, तो उसके लिए जंप स्टार्ट को भी चार्ज कर रहे हैं। जब वो चार्ज हो जाएगा फिर गाड़ी रेडी होगी, स्टार्ट हो जाएगी, फिर श्रेया लेकर निकलेंगी और रास्ते में कहीं लगवा लेंगी। किसी से बात किया है श्रेया ने, और श्रेया हमारे बगल में बैठी है। सारे लोग जंप स्टार्ट का चार्ज होने का वेट कर रहे हैं। ब्रूनो भी बैठा है इधर। इतना ही नहीं, आज हमारा एसी भी खराब हो गया, नहीं चल रहा ना, एसी चल रहा, ठंडा नहीं कर रहा हो गया टेम्परेचर, मतलब वही है, आज का दिन था सारा कुछ खराब होने का। फिर से गाड़ी को चार्ज करने की, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं होती है कि नहीं। हो गई ना, चलो अच्छा हो गया। चलिए हो गया। श्रेया बहुत परेशान थी बेचारी, का कॉलेज है कल से, और अभी सूरज को भी ड्रॉप करने जाना हम दोनों को। बाय श्रेया, हैव फन, ड्राइव सेफ। यार समझ नहीं लगता कोई भी जाता है इसको। A few moments later. गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं सूरज को ड्रॉप करने के लिए, और सूरज गए हैं अपार्टमेंट की की पिकअप करने के लिए। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं पार्किंग एरिया में, आ जाए फिर अनलोड करते हैं गाड़ी को। अनलोडिंग स्टार्ट। अभी हम लोग पहुंच गए हैं सूरज के अपार्टमेंट में। यहाँ 4 बच्चों के लिए स्पेस है, ये छोटी सी लिविंग है, डाइनिंग है, और ये अपने इधर रूम है, किचन है, 4 रूम है 4 बच्चों के लिए, और ये छोटी सी किचन है बच्चों के लिए, और बेड, डेस्क, चेयर। बेड ये थोड़ा बड़ी वाली है, ये वाला बाथरूम ज्यादा स्पेसियस लग रहा है, इससे बड़ा लग रहा है। बिफोर टाइम हमारा काम हो गया, अभी 6 o'clock होने में 5 मिनट बचा हुआ है। कोई बात नहीं, टाइम देख रही हूँ ना। तो सूरज को यहाँ हमने सेटल डाउन कर दिया, मतलब उनका लगेज कर दिया। वो तो आज अभी हमारे साथ जा रहे हैं, फिर आएंगे एक दो दिन में। हो गई छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, फिर से स्टार्ट हो गया स्कूल कॉलेज। आज तो एक से बढ़कर एक काम हुआ ना, कभी कुछ खराब हो रहा। और जानते हैं फ्रिज का भी कोई चीज़ टूटा हुआ दिखा। मतलब महीना लग रहा है आज के ही दिन, महीना तो चलो आज के ही दिन सारा कुछ टूट फूट हो रहा है। बट चलिए, अंत भला तो सब भला। चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, अभी भी हम लोग घर पहुँचे हैं और घर पहुँचते सबसे पहले मैंने ब्रूनो को खाना दिया क्योंकि उसे देर हो गई थी, और चाय रख दी हूँ बनने के लिए। बाहर हो रही है हल्की हल्की बारिश और थंडरस्टॉर्म भी है। अभी तो बारिश बंद है। तो चलिए अब देखती हूँ, चाय बनाती हूँ और फिर आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। फिनिश हो गया, वाह भाई बड़ी स्पीड में खाए हो। बाहर जाना, बाहर रुको रुको। अभी इधर मेरी चाय रेडी हो रही है। चाय मेरी रेडी हो गई है, लेकिन श्री अभी बाहर निकल गए हैं ब्रूनो को लेकर, क्योंकि ब्रूनो को खाना खाने के बाद तुरंत ही बाहर जाना होता है। और वैसे भी आज थंडरस्टॉर्म हो रहा है, रुक रुक के बारिश हो रही है। बारिश स्टार्ट हो उसके पहले उसका काम फिनिश कराने गए हैं। हल्की हल्की बूंदे पड़ने लग गई हैं, हल्की हल्की बूंदे स्टार्ट हो गई हैं। आवाज आ रही है उसकी कहीं से। आ गए श्री ब्रूनो को लेकर। बारिश तेज हुई, भाग रहा है। सो गाइज, ये है हमारा आज का डिनर। और साथ ही मैं आज बना रही हूँ स्वीट डिश में मखाने की खीर। ये मेरी मखाने की खीर अभी पक रही है। और अभी मैं डिनर नहीं कर रही हूँ, मैं भी आज ना ही करूँ, सिर्फ सैलेड खा लूँ या खीर खा लूँ, कुछ भी, क्योंकि दोपहर में बहुत हैवी हो गया था। मिस्टर सिंह बैठ गया है अपना डिनर करने के लिए। ये अपना डिनर कर रहे हैं, पीछे है ब्रूनो। सो गाइज, इसी के साथ मैं मेरी आज की वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज का दिन मेरे घर में टूट फूट वाला दिन बहुत था। एसी भी खराब है, फ्रिज में भी कुछ टूट फूट हुई है, बट उससे काम चल जाएगा। बट एसी खराब होने की वजह से काम नहीं चलेगा, बहुत गर्मी हो रही, स्वेटिंग हो रही है। और ये वाली मेरी वीडियो बहुत छोटी सी है बट बहुत ही क्यूट है, आप लोग को अच्छी लगेगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइस एंड गुड नाइट।